चुप क्यों है? मुंह में जबान नहीं है क्या? है ना पापा जी, है जबान लगाता है। हेल्प मांग रहे हो कि जान मांग रहे हो? वो लोग जानते नहीं है मुझसे बड़ा कुत्ता कोई नहीं है। मैं जानती हूँ। धक्का लगाएगा बे। ये कि कॉमेडी फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको धमाल मूवी बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी। ये एक ऐसी फिल्म है जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है और वो है धमाल 4। और दोस्तों आखिर धमाल 4 ऐसा क्या कमाल करने वाली है और कैसी स्टोरी होगी और इनमें हमें कौन से स्टार कास्ट नजर आएंगे, ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपने भी धमाल मूवी की तीनों सीरीज देखी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धमाल जब रिलीज हुई थी तो इस फिल्म में इतनी बड़ी स्टार कास्ट नहीं थी, लेकिन इस फिल्म ने अपनी स्टोरी और कॉमेडी के दम पर पूरे बॉलीवुड को हिला कर रख दिया था कि इतनी बेहतरीन कॉमेडी शानदार फिल्म थी कि दर्शकों को ये खूब पसंद आई थी और हिट भी साबित हुई थी। इसके बाद डबल धमाल आई जिसमें अरशद वारसी और संजय दत्त जैसे सुपरस्टार नजर आए थे। और दोस्तों आप सबको बता दें कि इस फिल्म की स्टार कास्ट में मल्लिका शेरावत और कंगना रनावत भी नजर आई थी जो कि डबल धमाल को और डबल करने के लिए आ गई थी। और दोस्तों वहीं अगर इस फिल्म के तीसरे पार्ट के बारे में बात करें तो इस फिल्म का तीसरा पार्ट था टोटल धमाल और इस फिल्म की पूरी स्टार कास्ट ही चेंज हो गई थी। आपको बता दें कि एक बड़े सुपरस्टार का नाम इस फिल्म से जुड़ गया था जो कि थे मेगा स्टार अजय देवगन और उन्होंने इस फिल्म को हिट और सुपर हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको बता दें कि ये फिल्म 118 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और 228 करोड़ रुपए का लगभग वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया था। और इस फिल्म में अजय देवगन, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर और सोनाक्षी सिन्हा, जावेद जाफरी जैसे बड़े कलाकार लीड कास्ट में नजर आए थे। और टोटल धमाल सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी इस सीरीज की। और वहीं धमाल 4 इंद्र कुमार लाने वाले हैं जो कि काफी खास होगी। और साथ साथ आपको बता दें कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी शुरू हो चुकी है और धमाल 4 में इंद्र कुमार कुछ नए कलाकारों को लेकर आने वाले हैं जैसे कि अजय देवगन, काजोल, सारा अली खान और दोस्तों जिससे इस फिल्म को और भी ज्यादा बूस्ट मिलेंगे। और जो धमाल 4 है वो सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी इस सीरीज की। और अगर बात करें कि ये फिल्म हमें आखिर कब तक देखने को मिलेगी तो हम आपको बता दें कि ये फिल्म साल 2022 तक तो हमें देखने को मिल ही सकती है। तो दोस्तों अगर आपको भी अजय देवगन की फिल्म धमाल 4 का बेसब्री से इंतजार है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।